अरे कैसे हो भाई लोग अपुन को पहचाना अपुन मुरली प्रसाद शर्मा बोले तो अपुन आज इधर परफॉर्म करेगा कैसे हो मुन्ना कौन मैं मोहनदास अपुन आज इधर परफॉर्म कर लाए हैं अभी तुम तो इधर से जाओ बाप बाप नहीं बापू <laughs> भूल गए लगता है बहुत दिनों से कोट नहीं गए <laughs> <laughs> अरे बापू अपुन तीन नाइट ना डेली शो की शूटिंग पे था छे सोचे आएला नहीं बोले तो अपन के पार्टनर के साथ थोड़ा मच, -मच हो गया था हा? अभी खाली पीली अपन का दिमाग खराब किया ना तो खाली पीली क्या करोगे मारोगे ए सर्किट जाओ बाबू को बाहर तक छोड़ के आओ जा <laughs> वो नहीं जाएगा ठीक से देखो वो सर्किट नहीं शॉर्ट सर्किट है <laughs> और वैसे भी तुम इतना टेंशन में क्यों मुन्ना मैंने हमेशा सिखाया ना सत्य और ऐसा की राह पर चलो हमेशा सच बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई टेंशन नहीं होगी अरे सब प्रॉब्लम्स तो सच बोलने से ही होता है बापू अब देखो ये परवेश इसके शक्ल के बारे में अगर, अगर अपन सच बोले तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा <laughs> और वो आकाशदीप वो इस शो में कैसा परफॉर्म करता है अपन सच बोलते तो वो अपन को पटक पटक के मारेगा नहीं <laughs> ये शकील इसके बारे में यहाँ बैठ के सब लोग क्या सोचते हैं सच बोले तो क्या वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुन पाएगा <laughs> और बापू अपन शुद्धि के बारे में क्या सोचता है सच बोले तो वो अपन पे केस नहीं कर देगी नहीं करेगी <laughs> बोले तो बापू अपन सच बोले बिंदास बोलो मगर विनम्रता से बोलो अरे बापू अपन अक्की ऑप्टिमिस्टिक टीम को जानता है इस सारे शो में विनम्रता नाम की कोई नहीं है <laughs> तुम समझे नहीं विनम्रता मतलब अदब से प्यार से प्यार बोलो बोले तो बापू अगर आप उनको बोलना है कि सतीश जी आप बहुत मोटे हो तो विनम्रता से कैसे बोलू तो आप बोलो कि सतीश जी आप बहुत क्यूट हो पर जरा भारी हो <laughs> अरे बापू आप उनको मोटा ही बोलने का है तो फिर मन में बोलो वो भी खुश तुम भी खुश <laughs> अच्छा बापू तुमने इस कंट्री को आजादी दिलवाई हाँ कितनी लड़ाइया लड़ी त्याग किए कई बार जेल भी गए तो कैसा लगता था बापू तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे तुम कभी नहीं गए <laughs> अच्छा बापू तुम हमेशा बोलता है आहिंसा, आहिंसा, फिर ये लाठी अपने पास काय को रखता है मैं खाली रखता हूँ चलाता नहीं हूँ तो अपन ने भी तो खाली रखी थी <laughs> लेकिन तेरी की मैं क्या बताऊ पहले तुमने वो बगैर लाइसेंस की बंदूक रख ली और अब तुम वो बीवी लाए हो जिसका लाइसेंस किसी और के पास है अपन से बहुत बहुत मिस्टेक हो गया है बापू अपन आई एम सॉरी बोलना चाहता है बापू तुम अपने आंसू पहुँच दो और अपने छोटे से केस और भूल को जाने दो और सन सैतालीस से आज तलक की खुली जांच हो जाने दो मैं तो कहता हूं जो इस दुर्गति के असली जिम्मेदार हैं तो सारे बेईमान मेरे जैसी ही खादी पहनते हैं और इस देश में बड़े इज्जतदार हैं अरे मैं तो कहता हूं मत मनाओ मेरी जयंती गिरा दो मेरे सारे पुतले चाहो तो नोट पर से मेरा फोटो भी हटा दो और चिदम्बरम साहब बड़ा पाव के लिए ही सही इस मुद्रा स्फीति की दर को थोड़ा घटा दो और मेरे जीते जी तुमने ऐसी लकीरें खींच दी जिसकी वजह से सीमा पर हर रोज भाई से भाई को लड़वाना पड़ता है और ये जो वहाँ बैठा है उसे हर पंद्रह दिन में अपना बीजा बढ़वाना पड़ता है